मरने के बाद नहीं है कोई जीवन, न ही जिंदा रहती है आत्मा। जी हाँ दोस्त, आपको चौंका देने वाली बातें। हमने आज से पहले यही सुना था कि हमारे शरीर में एक आत्मा होती है जो एक इंसान के मरने के बाद उससे अलग हो जाती है और एक दूसरी दुनिया में चली जाती है, लेकिन यहाँ तो एकदम उल्टा देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ने से पहले, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। जीवन और मृत्यु को लेकर दुनिया में तमाम तरह की धारणाएं हैं। धर्म में इंसान की मृत्यु के बाद के सफर को अपनी तरह समझाया गया है और बताया गया है। हमेशा ही विज्ञान और धर्म के बीच इस बात को लेकर बहस छिड़ी रहती है कि इंसान के शरीर में मृत्यु के बाद आखिर क्या घटता है। आत्मा या चेतना शरीर में रहते हैं या फिर वे इसे छोड़कर दूसरी यात्रा पर निकल जाते हैं। अब एक ब्रह्मांड वैज्ञानिक ने इसे लेकर एक चौंका देने वाली दावा किया है, जिसे सुनने के बाद आप भी चौंक जाएंगे। डॉक्टर सीन कैरोल का दावा है कि अगर दुनिया में सब कुछ विज्ञान के नियमों के मुताबिक होता है तो भौतिक शास्त्र के मुताबिक ऐसा हो ही नहीं सकता कि मृत्यु के बाद कोई जीवन संभव हो। डॉक्टर साहब के अनुसार इंसान की मृत्यु के बाद उसकी चेतना ब्रह्मांड में रह ही नहीं सकती है। हालांकि इस बात को लेकर अभी तक सभी वैज्ञानिक ने स्वीकार नहीं किया है, क्योंकि धर्म शास्त्रों में आत्मा या चेतना को शरीर की तरह नश्वर नहीं माना गया है। ऐसे में डॉक्टर सीन का ये दावा विवाद खड़ा करने वाला है। अभी तक इसके विषय में ज्यादा कुछ नहीं कहा गया है, जैसे ही कुछ सूचना मिलेगी हम आपको अपडेट करते रहेंगे। दोस्त, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एक लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी इस जानकारी को समझने में परेशानी न हो। फ्रेंड्स, हम मिलते हैं अगली वीडियो में।